भगवते चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय श्रूयताम श्रूयताम नित्यम गीयताम गीयताम मुदा चिंत्यताम चिंत्यताम भक्त्या श्रीचैतन्यचरितामृतम् श्रूयताम श्रूयताम नित्यम् गीयताम गीयताम मुदा चिंत्यताम चिंत्यताम भक्त्या श्रीचैतन्यचरितामृतम् श्रूयताम श्रूयताम नित्यम् गीयताम गीयताम मुदा चिंत्यताम चिंत्यताम भक्त्या श्रीचैतन्यचरितामृतम् नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 आप सब भक्तों का प्रतिदिवसीय इस भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीला का श्रवण हम सब कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रयतो नरः।
कहते हैं भगवान का जन्म अत्यंत गुह्य है, भगवान के जन्म और कर्म गुह्य है, इसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। परंतु यदि कोई श्रद्धा से भगवान के जन्म और कर्म को सुनता है तो निश्चित रूप से वे भगवान को समझ पाता है। अतः सूद गोस्वामी कहते हैं कि संसार का मनुष्य जन्म गुह्यम भगवतो, भगवान के जन्म और कर्म को सुनता है। बहुत सुंदर बात बताते हैं, यह सौभाग्य इस संसार में मात्र मनुष्य को ही मिला है। ये एतत् प्रयतो नरः, नर माने मनुष्य, भगवान को समझने का और भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मात्र मनुष्य को है, और इसीलिए मनुष्य योनि ही सबसे श्रेष्ठ योनि मानी जाती है। जिस मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के लिए स्वर्ग में रहने वाले देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस स्वर्ग से छूटने के बाद यदि आपको कहीं जन्म देना है तो पृथ्वी लोक में मनुष्य का जन्म दीजिएगा। और भगवान रामचंद्र भी कहते हैं, बड़े भाग मानुष्य तन पावा, बड़े भाग मानुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि संतरुगावा। भगवान रामचंद्र अवधवासी को उपदेश देते हैं कि मनुष्य का शरीर मिलना ये बहुत बड़े भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य का शरीर ही ऐसा शरीर है जिससे हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं और भगवान की कथा सुन सकते हैं। ये मनुष्य का शरीर ही ऐसा शरीर है, इसलिए मनुष्य शरीर का प्रथम कर्तव्य है ज्यादा से ज्यादा भगवान के विषय में सुने। क्योंकि जब तक हम भगवान के विषय में सुनेंगे नहीं तब तक भगवान के बारे में पूर्ण रूप से जानेंगे नहीं, और जब तक भगवान के विषय में हम जान नहीं लेते हैं तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए यह एतत् प्रयतो नर, इसलिए मनुष्य के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि वे भगवत कथा सुन सकता है, समझ सकता है। तो ऐसा मनुष्य सायं प्रात गृणन भक्त्या, ऐसा मनुष्य यदि शाम को और सुबह, सायं माने शाम को, प्रात माने सुबह, सुबह शाम निरंतर भक्ति के द्वारा भगवान की कथा को सुनता है। देखिए भगवान की कथा सुननी चाहिए भक्ति से, प्रेम से, जबरदस्ती से नहीं है। कुछ लोग जबरदस्ती से कथा सुनते हैं, तो कुछ लोग कुछ कामनाओं को पूर्ति करने के लिए कथा सुनते हैं। परंतु यहां पर कहते हैं सायं प्रात गृणन भक्त्या, भक्ति से, प्रेम से भगवान को प्रसन्न करने के लिए यदि कोई सुबह और शाम भगवत कथा का श्रवण करता है तो उससे क्या फल प्राप्त होता है? कहते हैं दुख ग्रामा दिमुच्यते, वह व्यक्ति संसार के समस्त प्रकार के दुखों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। कितना हार पहना है। अब निकाल दूंगा तो बुरा लग जाएगा, किसका निकालूं किसका रखूं।
तो जन्मम गुह्यम भगवतो ये एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः गृणन भक्त्या। यदि हम प्रातः सुबह और शाम को भक्ति से प्रेम से भगवान की कथा को सुनते हैं तो क्या फल मिलता है? दुख ग्राम, ग्राम माने क्वांटिटी में दुख होते हैं ना हमारे जीवन में, ग्राम माने जूथ, हमारे जीवन में दुख है, बहुत बहुत दुख है। अब क्या गिनाए, सुबह जब घर से निकलते हैं तो कुछ लोग पूछते हैं हाउ आर यू, कैसे हो, कहते फाइन, बड़े मजे में। बाहर से बोलते हैं हम लोग मजे में हैं, फाइन है, लेकिन हृदय में कितने दुख होते हैं तो हम ही जानते हैं, है? तो संसार में अनेकों प्रकार के दुख हैं, है? ठीक से पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, है? बच्चे ठीक से हमारा ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, पत्नी से झगड़ा होता है, बच्चों से झगड़ा होता है, पड़ोसी से झगड़ा होता है, भाई भाई के साथ झगड़ा होता है, अनेकों प्रकार की मारामारी होती रहती है, अनेकों प्रकार के दुखों से व्यक्ति ग्रस्त है। और रोज सुबह मंगला आरती में गाते हैं संसार दावा नल लीढ़ लोक, पूरा संसार दुख रूपी अग्नि में जल रहा है। तो दुख तो हमारे जीवन में है और कम नहीं, दुख हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। तो बोले कहते हैं कि सायं प्रातः गृणन भक्त्या, यदि कोई व्यक्ति ही प्रातः सुबह और शाम को भगवान की कथा का श्रवण करता है तो जीवन में जितने भी दुख है, दुख ग्रामाद विमुच्यते, व्यक्ति अपने जीवन के सभी दुखों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है और परम सुखमय बन जाता है। कहते हैं विमुच्यते, संसार में भी हम जब संसारी कार्य करते हैं तो कभी कभी दुखों से मुक्त हो पाते हैं, लेकिन जैसे ही एक दुख से मुक्त हुए तो दूसरा दुख आ जाता है, दूसरे दुख से मुक्त हुए तो तीसरा आकर खड़ा रहता है, है? लेकिन भगवान की कथा सुबह और शाम को यदि हम श्रवण करते हैं तो समस्त प्रकार के दुखों से विमुच्यते, विशेष रूप से मुक्त हो जाते हैं, फिर से वह दुख हमारे जीवन में दोबारा नहीं आते हैं, सदा सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। करना क्या होगा, भगवान की कथा को भाव से सायं प्रातः शाम को और सुबह श्रवण करना होगा। और हमारा कितना सौभाग्य है कि शाम को भागवत कथा और सुबह चैतन्य महाप्रभु की कथा है। अब आप लोग दुखों से मुक्त होने वाले हो इसमें कोई संदेह नहीं है, है? लेकिन ध्यान रहे एक शर्त है, शर्त क्या है, भक्ति से सुनना है, प्रेम से। तो इस प्रकार हम सबका परम सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिस कथा का श्रवण करके दुखों से मुक्त होकर हम भगवान को समझ सकते हैं। तो गत सत्र में चैतन्य भागवत से तृतीय अध्याय को हमने प्रारंभ किया था और चैतन्य महाप्रभु की एक लीला का श्रवण किया था। श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं परम संकेत ए सभे बुझ लेना कांदिले हरि नाम सभे लयेन। चैतन्य महाप्रभु रोने के छल कपट से अपने भक्तों को हरि नाम बुलवाते थे, ये आपने कल सुना। आज वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं सर्वलोके आवरिया थाके सर्व क्षण। चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर थे, गौर वर्ण के थे और इतने नाजुक थे कि सब लोग उनके बाजू में ही खड़े रहते थे, उनके साथ ही रहते थे। सर्वलोके आवरिया, महाप्रभु को आवृत करके सर्वक्षण प्रतिक्षण उनके साथ ही रहते थे। कौतुक करिए जे जे रसिक देवगण,
और एक लीला का वर्णन करते हैं। उस समय जो भगवान के प्रेमी देवता है, रसिक देवता, प्रेमी देवता, वो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आते थे, और जब देवतागण आते थे तो बहुत बड़ा कौतुक होता था, बहुत हंसी मजाक होता था। क्या होता था? जब देवतागण चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आते थे, कोनो देव अलक्षिते गृहेते संभाये, कुछ देवता अलक्षित होकर, अलक्षित रूप लेकर महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आते थे। मन में प्रश्न होता होगा कि ये देवता लोग भगवान का दर्शन करने क्यों आते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये 33 करोड़ देवी देवता भगवान के भक्त हैं। फिर चाहे इंद्र हो, ब्रह्मा हो, शिवजी हो, दुर्गा हो, काली हो, ये सब लोग भगवान कृष्ण के भक्त हैं। इसलिए जब जब भगवान का जन्म होता है तो ये देवतागण वहां पर प्रकट होते हैं। भगवान के जन्म के पहले भी देवता आते हैं, जब भगवान गर्भ में होते हैं तब सारे देवता आते हैं, भगवान को गर्भस्थ स्तुति करते हैं, और भगवान का जन्म हो जाने के बाद भगवान की सुंदरता को देखने के लिए, प्रणाम करने के लिए देवता आते हैं। आप सब जानते हैं 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण का जन्म जब गोकुल में हुआ तो उनका दर्शन करने के लिए कौन गए थे? शिव जी गए थे, भगवान भोलेनाथ कैलाश में रहने वाले। और उस समय शिव जी ने देखा मेरे गले में सर्प है और भभूति लगाई हुई है, इसलिए मुझे देखकर लोग मुझे गोकुल में प्रवेश नहीं करने देंगे। तब शिव जी ही योगी का रूप बनाकर आए। लेकिन शिव जी ने भले योगी का रूप बनाया, लेकिन दिखने में तो वो वैसे ही लग रहे थे, बिल्कुल अंग पे भभूति लगी है, गले मुंड माला, शेष नाग लिपटायो। तो शिव जी योगी का रूप लेकर नंद बाबा के घर पर आए और कहने लगे भिक्षान देही। यशोदा मैया द्वार पर आई, बोले बाबा आपको क्या चाहिए? तब ये बाबा कहते हैं, शिव जी बाबा का रूप लेकर आए हैं, तो शिव बाबा कहते हैं कि माते मुझे आपके लाला का दर्शन करना है। तब यशोदा मैया उस बाबा को कहते हैं, बाबा बाबा मैं आपको मेरे लाला का दर्शन कभी नहीं करा सकती हूँ, क्योंकि आपके इस कुरूप को देखकर, इस भयानक रूप को देखकर मेरा लाला डर जाएगा, वो रोने लगेगा। आप चाहो तो मेरे से धन ले लो, भोजन ले लो, कच्चा सीधा आटा ले लो। शिव जी ने कहा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपके लाला का दर्शन करना है। यशोदा ने कहा इस जीवन में तो मैं नहीं करा पाऊंगी। बार बार शिव जी ने कहा लेकिन यशोदा मैया ने ना कह दिया, और शिव जी बड़े निराश हो गए। बोले प्रभु का दर्शन करने के लिए आया और यशोदा ने दर्शन नहीं करने दिए। भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए बड़े कातर रहते हैं, भक्तों को भगवान का दर्शन करने की बड़ी चाह होती है, वे राह देखते हैं कब भगवान मुझे दर्शन देंगे, कब मुझे दर्शन देंगे। भागवत के 6 स्कंद में वित्रासुर भगवान को प्रार्थना करते हैं। भगवान ने कहा वित्रासुर तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। वित्रासुर ने कहा प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपका दर्शन चाहिए, और आपके दर्शन के विरह में मैं वैसे तड़प रहा हूं। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत सराशूद्रयार्ता प्रियं प्रियेव व्युषीतं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दीद्रक्षते त्वाम। कहते हैं प्रभु मुझे आपका दर्शन चाहिए, और आपका दर्शन करने के लिए मैं वैसे ही तड़प रहा हूं जैसे अजात पक्षा इव मातरम खगा, खग माने पक्षी,
पक्षी क्या जो बच्चा होता है उनको पंख नहीं आती है, और वो छोटा सा बच्चा जिसको पंख नहीं लगी है उस बच्चे के लिए भोजन जुटाने के लिए उनके माता पिता वन में जाते हैं। तो पक्षी वन में जाते हैं अपने बच्चे के लिए भोजन जुटाने के लिए। संध्या का समय हो जाता है, उस पक्षी बालक को भूख लगती है, बच्चे को भूख लगती है, लेकिन माता पिता अपने घोंसले में वापस नहीं लौटे हैं। तो उस समय अजात पक्षी जिसकी पंख नहीं आई हुई है, ऐसे पक्षी का बच्चा अपने माता पिता की राह देखते हुए कातर रहता है, कब मेरे माता पिता आएंगे, मुझे दर्शन देंगे। दूसरा दृष्टांत देते हैं, जैसे वन में घास चरने के लिए गाय अपने घर से जाती है और बहुत देरी हो जाती है, बछड़े को भूख लगती है और बछड़ा अपनी आंखों से एक टक से देखता रहता है, कब मेरी माँ आएगी और मुझे दूध पिलाएगी। उसी प्रकार प्रभु मैं आपका दर्शन करने के लिए कातर हूं। और तीसरा दृष्टांत देते हैं, जैसे कोई पतिव्रता नारी हो, सती नारी हो, और उसका पति परदेश गया हो, यहां पर उस स्त्री को बहुत दुख दिया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उस समय वह परदेश गए हुए पति की पतिव्रता पत्नी राह देखती है, कब मेरे पति आएंगे और मेरे दुख को दूर करेंगे। ठीक उसी प्रकार हे प्रभु मैं आपके दर्शन की राह देख रहा हूं। भगवान के भक्त भगवान का दर्शन चाहते हैं। जब यशोदा मैया ने शिव जी को दर्शन नहीं दिया, शिव जी बड़े निराश होकर वहां से चले गए। थोड़े दूर जाकर वे बैठ गए। भक्तों सिद्धांत यह है कि भक्त को भगवान का दर्शन करने की जितनी चाह होती है उससे कोटि गुना ज्यादा भगवान को अपने भक्त के दर्शन की चाह होती है। हम लोग को क्या चाह है राधा गोविंद जी का दर्शन करने के लिए, लेकिन राधा गोविंद जी चाहते हैं कब मेरे भक्त आएंगे, कब मैं उनका दर्शन करूंगा। तो जैसे ही शिव जी वहां से चले गए तुरंत भगवान कृष्ण रोने लगे, बोले मेरे भक्त मुझे दर्शन दिए बिना चले गए। कृष्ण रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे, बहुत भोजन दिया, ये दिया, खिलौना दिया, लेकिन कृष्ण शांत नहीं हुए, दूध पिलाया फिर भी शांत नहीं हुए। तब किसी ने कहा मैया मैया आपके लाला को कोई ग्रह लगा है। बोले ग्रह लगा है, हाँ इसलिए ये रो रहा है। तो मैया कहती है जाओ जल्दी ग्रह उतारने वाले को बुला कर लाओ। तो दो पांच गोपियां जाती हैं, ढूंढती है ग्रह उतारने वाला कोई बाबा यहां पर है। उसी समय शिव जी बाबा का रूप लेकर बैठे थे और गोपियां शिव जी के पास गई, बाबा बाबा आप ग्रह उतारना जानते हैं? बोले बहुत अच्छा जानता हूं। बोले हमारे कृष्ण को ग्रह लग गया है और बहुत रो रहा है। बोले ऐसा ग्रह उतारता हूं, एक बार उतार दिया तो फिर से चढ़ता नहीं है। बोले तब तो जल्दी चलिए आप हमारे साथ। शिव जी उनके साथ चलते हैं। शिव जी ने कहा देखो ग्रह उतारने के लिए लड़के को मेरे सामने लाना पड़ेगा। तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण को शिव जी के सामने लाया गया और शिव जी ने भगवान को देखकर उनको मन ही मन प्रणाम कर लिया। और दो तीन घंटे से भगवान कृष्ण रो रहे थे, अपने भक्त शिव जी को देखकर, तीन घंटे से रोने वाले कृष्ण शिव जी को देखकर बड़ी प्रसन्नता से हंसने लगे, खुश हो गए, हंसने लगे। यशोदा को विश्वास हो गया यार वास्तव में कोई तगड़ा बाबा है, विद्या जानता है। तब शिव जी कहते मैया क्या तुम ऐसा चाहती हो कि तुम्हारा लाला जीवन भर तक ऐसे ही हंसता रहे? तुम चाहती हो कि तुम्हारा लाला जीवन भर इसी प्रकार प्रसन्न रहे? अब कौन मां नहीं चाहेगी? यशोदा कहती हां मैं चाहता हूं। शिव जी कहते हैं मैया मेरी जटा में एक जड़ी बूटी है, जादू है, यदि आपके लाला का चरण मेरी जटा को स्पर्श करा दोगे तो जीवन भर कभी रोएगा नहीं, इसी प्रकार हंसता रहेगा। तुरंत यशोदा ने कृष्ण को उठाया और उठाकर कृष्ण के चरण शिव जी के मस्तक पर रख दिए
और जैसे ही कृष्ण के चरण शिव जी के मस्तक पर आए, शिव जी तो खुशी के मारे पागल हो गए, वो तो नाचने लगे, हरे कृष्णा हरे 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 राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो शिवजी ही बड़े खुशी की मारे पागल हो गए। शिवजी ने यही सोचा कि जिस भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा को मैंने मस्तक पर धारण किया, भगवान के चरण को नहीं, जिनके चरणों से निकली हुए जल को, गंगा को मैंने मेरे मस्तक पर धारण किया और मैं गंगाधर बन गया, तीनों लोक में मेरा नाम हो गया, मैं अमर हो गया। अब जिनके चरणों से निकले हुए जल को अपने मस्तक पर धारण करके मैं इतना फेमस हो गया और मेरा इतना नाम बढ़ गया, वही साक्षात भगवान के चरण आज मेरे मस्तक पर आए हैं, आज तो मैं धन्याति धन्य बन गया है। बड़े बड़े योगी यत्न करते रहते हैं, ध्यानी ध्यान करते रह जाते हैं, लेकिन जिस चरण का हजारों वर्षों तक ध्यानी ध्यान नहीं कर पाते हैं, आज वही भगवान के श्री चरण साक्षात मेरे मस्तक पर आए हैं, ये सोचकर शिव जी बड़े पागलों की तरह नाचने लगे, प्रसन्न हो गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शिव जी आदि देवी देवता भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान के पास आते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु छोटे थे तब देवतागण दर्शन के लिए आते थे, जब भी मूड हो जाता था देवतागण आ जाते थे। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, कोनो देव अलक्षिते गृहेते संभाए, छाया देखी सबे बोले यही चोरा जाए। तो देवतागण अलक्षित रूप से आते थे, वो उनका रूप नहीं दिखता था लेकिन उनकी छाया लोगों को दिखती थी, जानबूझकर देवता अपनी छाया दिखाते थे। तो जब देवतागण चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करके घर से बाहर निकलते थे तो कुछ लोग देवताओं की छाया को देख लेते थे और बोले कोई आदमी नहीं और ऐसे ही छाया यहां से भाग रही है जा रही है। तो छाया को देखकर महाप्रभु के आसपास जितने भी लोग बैठते थे सब लोग डर जाते थे और डर के मारे सब लोग कांपने लगते थे, और जब डर उत्पन्न होता था तो नरसिंह देव भगवान को याद करते थे। नरसिंह केहो करे ध्वनि, अपराजित तार स्त्रोत्र कारो मुखे सुनी। कुछ लोग इस छाया को देखकर बोले ये डाकू है, ये असुर है, ये आसुरी शक्ति है, नरसिंह भगवान को याद करते थे। हे प्रभु, यहां पर कोई राक्षस प्रकट हुआ है, आप इसको नष्ट कीजिए। और कुछ लोग तो कोने में जाकर बैठ जाते थे, अपराजित देवी के स्त्रोत को पढ़ने लगते थे। हे अपराजिता देवी, आप हम पर कृपा कीजिए और हमारी कभी पराजय न हो, हमारी विजय हो, इस चैतन्य महाप्रभु को कुछ न हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। नाना मंत्र के हो दश दिगबंध करे, अनेकों प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करने लगते थे, बोले यहाँ पर कोई आसुरी शक्ति आ चुकी है। अनेकों प्रकार के मंत्र का उच्चारण करते थे और कुछ लोग तो दसों दिशा को मंत्र के द्वारा बांध देते थे। उठिल परम कल रव शची घरे, और इस प्रकार से कुछ लोग नरसिंह करते थे, कुछ लोग अपराजित देवी का स्त्रोत पढ़ते थे, कुछ लोग अन्य मंत्र बोलते थे, कुछ लोग मंत्रों के द्वारा दिशा को बांधते थे। सब लोग अपनी अपनी बुद्धि से जो जो जानते थे उस प्रकार की रक्षा करने लगे, और उसके कारण शची के घर पर बड़ा कोलाहल मचता था। वैसे देखा जाए तो ये लोग भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन भगवान के भक्त का भाव है कि हमारे लाला की, हमारे इस पुत्र की रक्षा होनी चाहिए। प्रभु देखी गृहेन बाहिरे देव जाए, सभे बोले यही जात हारिणी पलाए। भगवान को देखकर, चैतन्य महाप्रभु को देखकर जब देवतागण बाहर जाते थे तो सब लोग उसे देखते थे और ऐसा सोचते थे कि निश्चित ये डाकिनी इनको मारने के लिए आई थी, लेकिन हमें देखकर वो यहां से भाग गई। डाकिनी उसे कहते हैं जो छोटे छोटे शिशुओं को अपहरण करके लेकर जाती है, फिर उसके खून को पी जाती है।
जैसे भगवान श्री कृष्ण की लीला में एक डाकिनी आई थी, क्या नाम था उसका? पूतना। कृष्ण जब 6 दिन के थे, ज्यादा उम्र नहीं हुई, कृष्ण का जन्म हुआ मात्र 6 दिन हुआ, तो छठवें दिन एक राक्षसी आई, कंस ने उसको भेजा था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुम चचार निगनंती पूर ग्राम व्रजादिषु साखे चरी कदोपेत्य पूतना नंद गोकुलम। कहते हैं कि वो पूतना राक्षसी जो थी खेचरी आकाश में उड़ने वाली थी, और पूतना पूतान नयति इति पूतना, जो पवित्र लोगों का भी अपहरण कर ले, पुरुष का भी अपहरण कर ले, उसे पूतना कहते हैं। जब किसी पुरुष का अपहरण कर सकती है तो बालक का अपहरण करने में क्या देर लग सकती है? और पूतना बाल घातिनी, उसका स्वभाव क्या था? बाल घातिनी, बालकों को मारना। बाल घातिनी इति पूतना, जो बालकों को मारती उसे पूतना कहते हैं। भक्तों, 5000 वर्ष पहले ही पूतना नहीं थी, आज भी कुछ पूतनाएं हैं जो अपने बच्चों को मारती रहती हैं। अपने बालक को, अपने बच्चे को कभी भी नहीं मारना चाहिए। अपने बच्चे को मारने वाली स्त्री पूतना कही जाती है, क्योंकि बालक को मारने से नहीं समझाया जाता है, बालक को प्रेम करने से समझाया जाता है। और कुछ लोग इतने क्रोधित हो जाते हैं, बालक को मारते हैं, लेकिन बालक का कोई दोष नहीं, दोष हमारा है। हमने गर्भाधान संस्कार नहीं किया, हमने बालक को संस्कार नहीं दिया, और इसीलिए बालक बिगड़ रहा है। हमारा, हमारे ही कर्म का फल है कि बालक कुछ नहीं, हमारा अपना कर्म हमारे सामने प्रकट है। उसे मारना नहीं चाहिए, उसे समझाना चाहिए प्रेम से। तो पूतना बालक आती नहीं, ऐसी डाकिनी वहां पर आई थी, और सा खेचरी आकाश में चलती थी। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि संसार के कुछ लोग किसी साधु बाबा बापू के छोटे मोटे चमत्कार को देखकर उसे भगवान मानने लगते हैं, है ना? बंगाल में ये सब बहुत चलता है। कोई बाबा बापू थोड़ा सा चमत्कार दिखा देता है तो उसे भगवान मानते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे चमत्कार तो पहले के राक्षस लोग करते थे, है ना? आकाश पे चलना, पानी पे चलना, आग को पी जाना, ये सब राक्षस भी कर सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ऐसे छोटे मोटे चमत्कार को देखकर हमें उसे भगवान नहीं मान लेना चाहिए। तो ऐसी राक्षसी आई पूतना, तो यहाँ पर सब लोग यही संभ्रम कर रहे हैं कि हमारे बालक को लेने के लिए ये राक्षसी आई है, और राक्षसी यहां से भाग रही है कि हो भले धर धर यही चोरा जाए। कुछ लोग कहते थे, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये चोर यहां से जा रहा है, हमारे बालक को चुराने के लिए आया था। नरसिंह नरसिंह के हो डाकिये सदाए, और कुछ लोग जोर जोर से नरसिंह नरसिंह कह के पुकारते थे। कोनो ओजा बोले आजी एडा इल भाल, कोई ओजा भूत उतारने वाला ओझा कहा जाता है, तो कोई ओझा ऐसा कहता था कि आज हमारा बालक खूब बच गया, आज हमारा बालक जाने ही वाला था, आज इसका अपहरण होने ही वाला था, ये मरने ही वाला था, लेकिन ना जानी से नरसिंह एर प्रताप विशाल, लेकिन नरसिंह देव भगवान की कृपा से आज हमारा बालक बच गया। अब नरसिंह देव कौन है? नरसिंह देव इसी बालक का अवतार है, हैं? यही बालक युग युग में अनेकों अवतार धारण करता है, लेकिन ये लोग क्या सोचते हैं कि नरसिंह की कृपा से ये बच रहा है, हैं? कुछ लोग सोचते हैं कि विष्णु की कृपा से ये बच रहा है, देवता की कृपा से ये बच रहा है, लेकिन सभी देवताओं की रक्षा करने वाला यही तो बालक है। अभी निकालना पड़ेगा, तो नरसिंह की कृपा से ये बालक बच रहा है।
वास्तव में भक्तों सच्ची बात कहें, यदि मैं तत्व की बात करूं तो भगवान के दो प्रकार के भक्त होते हैं, भगवान के दो प्रकार के प्रेमी भक्त होते हैं। वैसे तो भक्त के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन शुद्ध भक्तों में भी दो प्रकार हैं। भगवान के शुद्ध भक्त में भी दो प्रकार हैं। एक भक्त ऐसे हैं जो भगवान के थोड़े से प्रभाव को देखते हैं, थोड़े से प्रभाव को देखते हैं तो भगवान को ऐश्वर्यमयी पूजा करने लगते हैं। और दूसरे भक्त ऐसे हैं, भगवान कितना भी प्रभाव दिखाए वो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, अपना पुत्र ही मानते हैं। जैसे ब्रजवासी भी कृष्ण से प्रेम करते हैं और मथुरा और द्वारिका में रहने वाले भक्त भी कृष्ण से प्रेम करते हैं, लेकिन ये दोनों लोगों के प्रेम में क्या अंतर है? ब्रजवासियों का प्रेम, कृष्ण कितना भी प्रभाव प्रकट करे, कितना भी प्रभाव प्रकट करे, लेकिन ब्रजवासी को यही लगता है ये हमारा लाला है, ये तो हमारा बच्चा है। आप देखिए, 6 दिन की उम्र में पुतना जैसी राक्षसी, 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी राक्षसी थी, उनको मार डाला। लेकिन ब्रजवासियों ने क्या सोचा? ये देवताओं की कृपा है, विष्णु की कृपा है, हमारा बालक बच गया है। वो ये नहीं जानते थे विष्णु इसका अवतार है, इसके अंश से विष्णु, राम, वराह आदि नरसिंह का अवतार होता है। ये सारा श्रेय देवताओं को जाता था। अगासुर को मारा, बकासुर को मारा, त्रिणावर्त को मारा, यहां तक गोवर्धन भी धारण कर लिया, फिर भी सोचते हैं कि नहीं नहीं, हमारे लाला के अंदर देवता प्रकट हुए हैं, इसलिए गोवर्धन उठाया है, देवता इसकी शक्ति से खड़े हैं, नहीं जानते। तो इस प्रकार भगवान कितना भी ऐश्वर्य दिखा, यहां तक यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया, लेकिन फिर भी यशोदा यही सोचते हैं कि ये हमारा लाला है। तो ये है ब्रजवासियों का प्रेम, इसे कहते हैं माधुर्य, वात्सल्य प्रेम। भगवान कितना भी प्रभाव बताए लेकिन वो वात्सल्य छिपता नहीं है। परंतु मथुरा के परिकर, द्वारिका के परिकर का प्रेम कैसा है? उनको भी वात्सल्य है, माधुर्य है, लेकिन जब भगवान थोड़ा सा प्रभाव दिखाते हैं तो वो वात्सल्य और माधुर्य डूब जाता है और भगवान का ऐश्वर्य प्रकट हो जाता है, ऐश्वर्य भाव प्रकट हो जाता है। जैसे देवी कुंती कृष्ण को अपना पुत्र मानती, लेकिन कृष्ण जब हस्तिनापुर से द्वारका जाने लगे, देवी उत्तरा आई और कृष्ण ने उत्तरा की ब्रह्मास्त्र से रक्षा की, तो जिस कृष्ण को देवी कुंती अपना पुत्र मानती थी उसी कृष्ण को देखा, चतुर्भुज धारण किया है और मेरी पुत्र वधु उत्तरा की इसने रक्षा की है, यह देखकर ऐश्वर्य भाव प्रकट हुआ। और जो कुंती कृष्ण को अपना पुत्र मानती थी वही कुंती कृष्ण के चरणों में गिर गई कि हे कृष्ण आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। जैसे अर्जुन कृष्ण के सखा थे, साथ साथ खाते थे, उठते थे, बैठते थे, यहां तक अर्जुन ने कृष्ण को अपना ड्राइवर भी बना दिया। लेकिन कुरुक्षेत्र की भूमि में जब भगवान कृष्ण ने अपना प्रभाव दिखाया है ना, विराट रूप का दर्शन कराया, भूत भविष्य वर्तमान एक साथ समस्त देवता उस शरीर में उन्होंने दर्शन किया और काल के समान संसार के समस्त जीवों को भगवान निगल रहे हैं, ये सब कुछ अर्जुन ने जब एक स्वरूप में भगवान का दर्शन किया तब अर्जुन को पता चला जिसको मैं मेरा सखा मानता था वो तो साक्षात भगवान है। कृष्ण का प्रभाव देखकर अर्जुन के अंदर ऐश्वर्य भाव प्रकट हुआ और अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर कृष्ण के चरणों में गिर गया। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, हे कृष्ण सखेति मत्वा प्रसवम संयुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, कृष्ण मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं तुमको अपना सखा मानता था और कभी कभी तुकार करके बुलाता था हे कृष्ण हे यादव, लेकिन आज मुझे पता चला तुम तो बहुत बड़े भगवान हो, मुझे क्षमा कर देना। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसे प्रेमी भक्त होते हैं जो भगवान के प्रभाव को देखकर ऐश्वर्य भाव प्रकट हो जाता है,
और कुछ लोगों का वात्सल्य इतना गाढ़ होता है, इतना बिल्कुल जमे हुए घी की तरह, जमे हुए घी में आप सोने का सिक्का डालो तो वो आर पार दिखेगा नहीं, लेकिन पिघले हुए घी में यदि सोने का सिक्का डालो तो आर पार दिख जाएगा। तो कुछ भक्तों का भाव कैसा है, पिघले हुए घी की तरह। भगवान प्रभाव दिखाते हैं तो ऐश्वर्य भाव प्रकट हो जाता है, और कुछ प्रेमी भक्तों का स्वभाव कैसा है, जमे हुए घी की तरह, उसमें कितना भी सोने का सिक्का डालो लेकिन वो दिखता नहीं। भगवान कितना भी ऐश्वर्य दिखाए लेकिन ऐश्वर्य भाव प्रकट नहीं होता है। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ जितने भी उनके आत्मीय जन थे उनका यह भाव था कि महाप्रभु कितने भी चमत्कार दिखाए, कुछ भी करे, लेकिन फिर भी ये हमारा लाला है, ये हमारा बेटा है। देवताओं की इस पर कृपा है, नरसिंह की इस पर कृपा है। यद्यपि नरसिंह तो इसके अंश से जन्म लिए, भगवान के अंश है बलदेव, बलदेव के अंश है विष्णु, और विष्णु से शिरोधकशायी विष्णु, और उससे नरसिंह का जन्म होता है। नरसिंह भगवान तो भगवान के अंश की कला है, और कृष्ण तो स्वयं भगवान है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान। यदि मैं आपको प्रश्न पूछूं, चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के अवतार है, कितने लोग मानते हैं? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार हैं ऐसा कितने लोग मानते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। जितने भी लोग हाथ ऊपर किए हैं सब गलत हैं। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के अवतार नहीं है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही है। अवतार में और स्वयं में अंतर है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात स्वयं भगवान है, और कृष्ण से बलदेव, बलदेव से संकर्षण, संकर्षण से विष्णु, और विष्णु से सारे अवतार होते हैं, नरसिंह, वामन, वराह, राम। तो ये जो है अवतार भगवान के अंश कला है, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार नहीं, चैतन्य महाप्रभु का अवतार विष्णु से नहीं, चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात कृष्ण ही है। राधा का भाव लेकर आए इसलिए रंग बदल गया। तो भक्तों चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, कृष्ण का ही कृष्ण, कृष्ण का ही देह है, परंतु राधा का भाव। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु की बहुत सुंदर दिव्य लीला है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, सही खाने था कि देव हासे अलक्षिते। जब इस प्रकार से देवतागण अपनी परछाई दिखाते थे और सब लोग कोलाहल मचाते थे, तब समस्त देवता आकाश में खड़े खड़े हंसते रहते थे। अलक्षिते परिपूर्ण हैल मासिक ई मते। और इस प्रकार से देवताओं के इस कौतुक करते हुए एक महीना बीत गया। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, एक महीना बीता। एक महीने के बाद चैतन्य महाप्रभु क्या लीला करेंगे इसका श्रवण हम कल करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न है आज के प्रवचन में, कुछ समझ में ना आया हो, या भक्ति में कोई बाधक प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, भक्ति को कैसे संभाल कर रखना चाहिए, बहुत सुंदर प्रश्न है। भक्ति को कैसे संभाल कर रखना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गुरु की और भगवान की कृपा से हमको भक्ति मिलती है ना। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से हमें भक्ति का बीज मिल जाता है, लेकिन उस बीज को यदि संभाल कर रखना है तो क्या करना होगा? जैसे आपको आम चाहिए, मैंगो आम चाहिए, तो आपको कोई आम की बदले गुठली दे दे, है ना, तो बहुत सुंदर आपको गुठली मिल गई, बीज मिल गया, लेकिन उससे यदि आम को प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले उसको भूमि में बोना पड़ेगा, है ना,
सबसे पहले भूमि में डालना होगा। तो गुरु और कृष्ण की कृपा से कृष्ण भक्ति का बीज मिला है, सबसे पहले इस बीज को हमको बोना है। कहाँ पर बोना है? हमारे हृदय में। माली हैया करे से ही बीज आरोपण, सबसे पहले उस भक्ति के बीज को हृदय में बोना है ना। अच्छा, यदि आप किसी बीज को कंक्रीट में बो दो तो वो फलीभूत होगा? उसको नरम भूमि में बोना पड़ेगा ना। ठीक उसी प्रकार भक्ति का बीज उसी हृदय में फलीभूत होता है जिसका हृदय नरम है। जिसका हृदय पत्थर और कंक्रीट की तरह कठोर है वहां पर भक्ति का बीज फलीभूत नहीं होता है। इसलिए हृदय को नम्र बनाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते त्रिणादपि सुनी चैन, ये दूसरी चीज है। ठीक है, चलो नरम भूमि है, हमने बीज बो दिया तो क्या बीज फलीभूत होगा? उसमें जल डालना पड़ेगा ना। तो ठीक उसी प्रकार भक्ति का बीज मिला, हमने उसको हृदय में बो दिया, हृदय नरम है, और अब उसको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? उसका सिंचन करना होगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्ति के बीज का सिंचन करने के लिए श्रवण कीर्तन जले कर ये सिंचन। यदि भक्ति को संभाल कर रखना है तो श्रवण और कीर्तन ये दोनों करना होगा। श्रवण और कीर्तन सिक्के की दो बाजू है ना। सिक्के में दो होता है ना, किंग स्केल दो होता है ना। तो श्रवण और कीर्तन ये दोनों है तो सिक्का सच्चा, नहीं तो गलत सिक्का है, वो सिक्का किसी काम का नहीं है। तो जो भक्त श्रवण और कीर्तन करता है उसकी भक्ति फलीभूत होती है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कीर्तन कीजिए। कीर्तन माने भगवान का नाम, और श्रवण माने भगवत कथा सुन। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु जी का। प्रश्न है चैतन्य महाप्रभु को छन्न अवतार क्यों कहा गया? चैतन्य महाप्रभु छन्न नहीं, प्रछन्न अवतार है। प्रकृष्ट रूपेण छन्न, छन्न माने छिपे हुए। भगवान के अन्य अन्य अवतारों को तो समझ में आ जाता है, नरसिंह वामन वराह, अन्य अवतार समझ में आ जाते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु समझ में नहीं आते हैं, है ना। इसको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अन्य अवतारों में भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रकट किया। हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया, रावण को मार दिया, 21 बार नक्षत्री कर दी, दो कदम में ब्रह्मांड को नाप लिया। अन्य अन्य अवतारों में भगवान ने अपना प्रभाव प्रकट किया, इसलिए भगवान को पहचानना आसान है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के इस लीला में उन्होंने अपने प्रभाव को छिपा कर रखा। किसी को मारा नहीं चैतन्य महाप्रभु ने तारा। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, लेकिन उन्होंने अपने इस प्रभाव को छिपा कर रखा। छिपाना उसे ही छन्न कहा जाता है, छन्न माने छिपाना। तो भगवान ने अपने प्रभाव को छिपा कर रखा, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को प्रछन्न कहा जाता है। ठीक है ना, और कोई प्रश्न? विवेक और भक्ति एक है या अलग है? विवेक का अर्थ होता है अच्छी बुद्धि। ये बुद्धि जो है ना, अभी गलत निर्णय लेती है। जब बुद्धि सही निर्णय लेने लगे तब उसे विवेक कहते हैं। ठीक है, बुद्धि का सही निर्णय लेना उसे विवेक कहते हैं। और जब तक विवेक न हो तब तक भगवान नहीं मिल सकते। ठीक है, तो विवेक होने से भगवान मिलते हैं, लेकिन विवेक कैसे प्राप्त होगा? सत्संग करके, भक्ति करके। रामायण में कहा गया बिन सत्संग विवेक ना होई। सत्संग किए बिना विवेक नहीं हो सकता है, और विवेक प्राप्त हुए बिना भगवान नहीं मिल सकते। ये लिंक है। तो सत्संग करे, भक्ति करे, भक्ति करने से विवेक। विवेक माने क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन शिव है, कौन जीव है, कौन ईश है, ये विवेक। और फिर हमें क्या करना है, ये है विवेक। और जब ये करते हैं तब भगवान मिलते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हाँ,
इतने चरण रोग का प्रश्न है, भक्ति में उत्साह कैसे बनाए रखना चाहिए। भक्ति में उत्साह बनाने के लिए सबसे मूल बात यह है कि जो भक्ति में सबसे ज्यादा उत्साहित भक्त हैं उनके साथ रहना चाहिए। मरे हुए मच्छर के साथ रहोगे अब माला करेंगे बाद में, 10 बार अलार्म बजता है फिर भी बाद में जगेंगे, ऐसे भक्तों के साथ रहोगे तो हमारा उत्साह डाउन होगा। लेकिन जो बिल्कुल अलर्ट है, उत्साहित है, उत्साहित भक्तों के साथ रहने से उत्साह बढ़ता है। और कथा सुननी चाहिए उत्साहित भक्तों की। खुशी हाँ, ये मन लगाना हमारे बस में है। मन लगाने के लिए भगवान ने अपनी कथा हमको दे दी, लेकिन अब मन को लगाना ये हमारे बस में है। कैसे? सावधान रहना चाहिए तब मन भगवान में लगेगा। हमारे मन का अभ्यास क्या है? भटकना है? वैसे मन में कोई विचार नहीं, जैसे माला हाथ में लेते हैं तुरंत मन प्लानिंग करता है ना। मैं तो अक्सर कहता हूँ आपको, यदि प्लान अच्छे से करना है तो माला हाथ में ले लो, इतने अच्छे बढ़िया प्लान मिलेंगे। और माला नहीं होती तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। ये मन का स्वभाव है कि जब अच्छा कार्य करते हैं तभी भटकने लगता है। तो मन को सावधान रखना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, अपने बुद्धि से मन को वश में रखना चाहिए। मन के ऊपर बुद्धि बैठी है तो बुद्धि के द्वारा जब मन माला जप कर रहे हैं मन भटकने का प्रयास करे, बुद्धि स्ट्रांग होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए बुद्धि में, और मन को कहना चाहिए नहीं मैं नहीं भटकने दूंगा। मन चला जाएगा लेकिन उसे खींच कर लाना है। कथा सुनेंगे तो मन कथा में कथा से चला जाता है लेकिन उसको खींच कर लाना है। इस प्रकार मन को खींच कर एक बार लाएंगे, 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार अभ्यास करते रहेंगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि फिर हमको मन को खींचना नहीं पड़ेगा। हम यदि कहीं और सोचना चाहेंगे फिर भी मन भगवान के नाम में और भगवान की कथा में बैठा रहेगा। अभ्यास, इसके लिए अभ्यास जरूरी है, प्रैक्टिस, अभ्यास करना चाहिए मन को खींचने का, मन को भगवान में लगाने का। क्योंकि भगवान का नाम शुद्ध है, पवित्र है, कथा भी शुद्ध है। अब देरी किसकी है? मन को लगाने की देरी है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि हनी जानते हैं ना, शहद, शहद यदि बोतल में बंद है बाहर से कितनी भी मधुमक्खी आए उसको उसका टेस्ट नहीं मिल सकता है। तो हमारी हालत कुछ ऐसी है, हम लोग ये कृष्ण कथा सुन रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं लेकिन बोतल के बाहर बैठे हैं, अभी हमें वास्तविक कृष्ण का टेस्ट नहीं मिला, कृष्ण कथा का टेस्ट नहीं मिला, कृष्ण नाम का टेस्ट नहीं मिला, डिब्बा तो बंद है ना। हम सब मधुमक्खी की तरह बाहर बैठे हुए, बस जब ये डिब्बा खुलेगा तब पता चलेगा इसमें कितना रस है, कितना टेस्ट है। लेकिन ये डिब्बा कब खुलेगा? जब मन को अभ्यास करके हम वहां पर बिठाएंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न है पूछिए। क्या कहा गौर? चैतन्य महाप्रभु को गौर क्यों कहा जाता है? तो कल बताया ना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के शरीर का रंग गौर वर्ण का है इसलिए गौर कहा जाता है। गोरे रंग के होने के कारण उसे गौर कहते हैं। ठीक है, कृष्ण जो है अवतार नहीं है, अवतारी है। ठीक है, कोई प्रश्न पूछिए जोर से।
ऐश्वर्य। हाँ, भगवान की भक्ति अनेकों भावों में की जा सकती है, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये सब भाव में भगवान की भक्ति की जा सकती है। हमें किस भाव में भगवान की भक्ति करनी है, है ना? हमें किस भाव में भगवान की भक्ति करनी है? देखिए, भगवान का, हमारा भगवान के साथ संबंध ऑलरेडी है, पहले से ही है, लेकिन वर्तमान में क्या है, हम लोग वो संबंध भूल चुके हैं। हो सकता है आप कृष्ण के माँ भी हो सकते हो, आप कृष्ण की पत्नी भी हो सकते हो, हम लोग भूल चुके हैं। और अभी हम ये नहीं जान सकते कि हम कृष्ण के कौन हैं, है ना? और क्यों नहीं जान सकते हैं, क्योंकि अनेकों जन्म से हमने पाप किया है अज्ञान अविद्या के कारण। इसलिए नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करिए उदय। तो अभी हम लोग अज्ञान में भूल चुके हैं संबंध क्या है, परंतु हमें स्ट्रांग साधना करनी चाहिए, तीव्रता से भगवान की साधना, भगवत कथा का श्रवण करना चाहिए। जब तीव्रता से साधना करेंगे तब हृदय शुद्ध हो जाएगा, और जब हृदय शुद्ध होगा तब जो हमारा भगवान के साथ संबंध है वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि गोपी भाव श्रेष्ठ है तो कल से मैं गोपी बन जाऊंगी, मैं गोपी बनकर पूजा करूंगी, ये तो सहजिया है, ये तो ड्रामा नाटक है, ये तो मात्र समाज में उत्पात मचाने वाली वृत्ति। तो हमें ये नहीं करना है, हमें तो साधना करनी है, साधन भक्ति करनी है, और साधन भक्ति करते करते हम रागानुगा भक्ति में पहुंच जाएंगे, प्रेमा भक्ति में पहुंच जाएंगे। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, निरंतर भगवान के नाम का जाप और भगवत कथा सुननी चाहिए। और हम, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, या तो भगवान बता सकते हैं या तो हमारे शुद्ध गुरु बता सकते हैं, ये दो ही बता सकते हैं, है ना? फिर भी हमें थोड़ा अंदाजा लगाना है कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध हो सकता है, एक अंदाजा, एक अंदाजा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब आप भगवान की लीला सुनो, दास्य लीला सुनो, वात्सल्य हनुमान जी की कथा सुनो, या वात्सल्य की कथा सुनो, या माधुर्य की कथा सुनो, आपको जिस कथा में रुचि लगती है ना, तो समझना चाहिए शायद ये भाव हो सकता है, ये संबंध हो सकता है, ये एक अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे यशोदा कृष्ण की कथा को सुनने में जब बहुत आनंद आए तो सोचना चाहिए हो सकता है मेरा भगवान के साथ वात्सल्य संबंध है, या गोपियों के साथ लीला के में यदि आनंद आए तो समझना चाहिए हो सकता है माधुर्य, लेकिन ये भी अंदाजा है, है ना? वास्तव में तो गुरु ही बताएंगे, और अन्यथा हम स्ट्रांग साधना करेंगे और साधना करते हुए इस भाव को प्रकट करेंगे, ये अपने आप हृदय से प्रकट होगा, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। आज से मैं गोपी बन गई, आज से मैं कृष्ण का सखा बन गया, ये ठीक है। और कोई प्रश्न है? सबके पिता कृष्ण है। एक प्रश्न है, मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पा रहा हूं। हाँ, मिलेगा ना, अगले जन्म में मिलेगा, भगवान से जो भी मांगते हैं इस जन्म में मिल जाता है, और हाँ, भगवान से जो मांगते हैं इस जन्म में मिलता है, कृष्ण से आप जो मांगते हो ना इसी जन्म में मिलता है, लेकिन कृष्ण देने से पहले देखते हैं कि मैं इसको ये दूंगा तो ये पागल तो नहीं हो जाएगा, देखते हैं, यदि पागल हो जाएगा तो कृष्ण नहीं देते। देखिए, देवताओं में और कृष्ण में ये अंतर है,
यदि कोई देवी देवताओं की उपासना करता है, 1 करोड़ रुपया मांगता है तो देवता दे देते हैं, लेकिन कृष्ण की कोई भक्ति करता है और 1 करोड़ मांगता है, कृष्ण देखते हैं पहले भविष्य कि साला 1 करोड़ दूंगा और ये सब बिगड़ जाएगा है? तो वो नहीं देते। और यदि ये मैं 1 करोड़ दूंगा तो ये भक्ति में लगाएगा तो एक नहीं वो 5 करोड़ देते, छप्पर फाड़ के आता है ऊपर से है? ये चैतन्य महाप्रभु इस बात को कहते हैं, बोले मेरे भक्त मेरे से कभी कभी कुछ मांगते हैं, है ना? तो मेरे भक्त कभी कभी ऐसी वस्तु मांग लेते हैं जिससे वो आगे चलकर फंसने वाले हैं। तो मेरे भक्त कभी कभी मूर्ख बन जाते हैं, लेकिन मैं थोड़ी ना मूर्ख हूं, मैं तो बुद्धिमान हूं ना। अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ो मूर्ख, मेरा भक्त अमृत को छोड़कर यदि विष मांगे तो वो तो उसकी मूर्खामी है, लेकिन मैं थोड़ी मूर्ख हूं, मैं मेरे भक्त को अमृत को छोड़कर विष थोड़ी दूंगा। हम लोग सोचते हैं कि पैसे मिल जाएगा खुश हो जाऊंगा, लेकिन हो सकता है वही पैसे हमारे लिए विष बन जाए। तो यदि वह धन या वह वस्तु हमारे लिए प्रॉब्लम वाली है तो कृष्ण नहीं देते, लेकिन देवी देवता दे देते हैं। जैसे ये देवी देवता कैसे हैं जानते हैं? दुकान वाले जो होते ना, जो दुकान में नौकरी करते हैं ना, वैसे देवी देवता है। और कृष्ण कैसे हैं? हमारे बाप हमारे पिता के समान। अब कोई 10 साल का लड़का है और उसकी इच्छा यार आज सिगरेट पीने का मन हो रहा है, और 10 साल का लड़का 5 रुपया अपने जेब में 5 रुपया है और 5 रुपया लेकर दुकान में जाए, यार एक सिगरेट दे दे आज सिगरेट पीने का मन। अब दुकान वाला तो बाध्य है सिगरेट बेचने के लिए, वो तो सिगरेट दे देगा, लेकिन वही लड़का अपने पिता के पास है, पिताजी जरा 5 रुपया एक सिगरेट लेके आओ ना, पिताजी क्या करेंगे? वो 5 रुपया ले लेंगे और एक थप्पड़ मारेंगे, साले सिगरेट पीना है तुझे है? अब बताइए दुकान वाला अच्छा है कि पिताजी अच्छा है? जो अज्ञानी है उसे ऐसा लग सकता है कि दुकान वाले ने सिगरेट दिया अच्छा आदमी है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पिता अच्छा है। सिगरेट नहीं दिया और 5 ले भी लिया, क्योंकि 5 रखूंगा तो मेरे पास नहीं किसी और के पास जाकर पिएगा। इसलिए भगवान कभी कभी भक्तों को कंगाल भी बना देते हैं, तो भगवान कभी कभी भक्तों को माला माल भी बना देते हैं। जो भी अपने भक्तों का जिसमें हित होता है भगवान वो करते हैं। हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारा भला करेंगे भगवान। एक नारद मुनि की कथा जानते हैं ना, नारद मुनि को एक बार अहंकार हो गया, इतना अभिमान हुआ कि मैं कामदेव को हरा दिया, भगवान ने देख लिया इसको अभिमान हो गया। तो नारद मुनि ने ये रास्ते में एक बहुत बड़ा महल देखा, एक राजा थे, राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था विश्व सुंदरी। नारद जी का मन लट्टू हो गया और सोचे कि यार मैं जिस भगवान की भक्ति करता हूँ वो भगवान भी गृहस्थ है, तो मैं क्यों गृहस्थ न बनूं? तो नारद जी ने सोचा कि मैं शादी करूंगा इस विश्व सुंदरी के साथ। विश्व सुंदरी के पिता विश्व सुंदरी को कहते बेटा नारद जी को प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, कल तुम्हारा स्वयंवर है, अच्छा पति मिल जाए। नारद जी ने मन ही मन में कहा मैं ही इसका पति बनने वाला हूँ, और कहीं जाने की जरूरत नहीं। दूसरे दिन ही स्वयंवर था, नारद ने सोचा मैं तो पकड़ बाबा, कोई राजा अपनी कन्या मुझे क्यों दे, न तो मेरे पास धन है न सुंदरता, टकलू मुंडन करा के बैठा हूँ, लड़की को खुश करने के लिए बाल भी होने चाहिए ना बड़े बड़े, आज तो कितने बड़े बड़े बाल रखते हैं, क्या स्टाइल करते हैं। तो नारद मुनि तुरंत भगवान विष्णु को याद किए, भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले नारद क्या हुआ? बोले प्रभु आपकी जरूरत पड़ी है, प्रभु आज तक मैंने आपकी भक्ति किया, मैंने आपसे कुछ मांगा? कुछ नहीं मांगा प्रभु, आज मैं आपसे मांग रहा हूँ। क्या चाहिए? प्रभु मुझे सुंदरता चाहिए, मुझे विश्व सुंदरी से शादी करनी है। भगवान विष्णु ने कहा नारद जी जिसमें तुम्हारा भला होगा तथास्तु मैं कर दूंगा। नारद जी को तो अपने प्रभु पर विश्वास था और वो तो समझ गया कि अच्छा रूप मुझे मिल गया है। दूसरे दिन स्वयंवर सभा में जाकर पहले ही नारद जी पहले आगे ही बैठ गए, बेचारी विश्व सुंदरी को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं, सीधी आए और मेरे गले में डाले, हम दोनों निकल जाए। तो उसमें जैसे प्रसाद की पंक्ति होती ना, 1 पंक्ति 2 4 5 10 पंक्ति थी,
और वास्तव में हुआ क्या था, भगवान ने नारद जी को सुंदर रूप नहीं बंदर का रूप दिया था। अब नारद जी को इतना विश्वास था, उसने कांच में भी देखा नहीं, बोले प्रभु ने दिया है तो अच्छा ही होगा, जाकर तुरंत वो पंक्ति में सबसे आगे जाकर बैठ गए। विश्व सुंदरी ने जब हाथ में माला लेकर आगे चलने लगी तो क्रोधित हो गई, बोले इस बंदर को कौन यहां पर लेकर आया, इसको ओपनिंग में मुहूर्त में ही कौन बिठा, इसको हटाओ भगाओ यहां से। दूर से विश्व सुंदरी ने कहा, दूर से अपनी सहेलियों के साथ भगाओ भगाओ। नारद जी दूर से सोच रहे थे, बोले मुझे इशारा कर रही है, बिल्कुल उल्टा सोच रहे हैं, ये तो खड़ा होने का नाम नहीं ले रहे। विश्व सुंदरी हाथ में हार माला लेकर आई, नारद जी आधे तो खड़े हो गए। नारद जी के गले में माला डालने की बात तो दूर रही, देखा भी नहीं विश्व सुंदरी, आगे चली गई। बाजू में दो शिव जी के गण बैठे थे, जोर जोर से हंसने लगे, बोले कांच में मुंह देखा है, है? अपना थोबड़ा कभी देखा है, कभी आईने में है? शादी करने आया है। नारद जी ने कहा क्या बुरा है, बोले एक बार जाकर देखो तो सही, बाजू में पानी है, कम से कम पानी में जाकर देखो। नारद जी जाकर देखे तो बंदर का मुख था, बड़े क्रोधित हो गए। और क्रोध तो नारद जी को आया, और सबसे बड़ा क्रोध कब आया बताएं, उसी पंक्ति में लास्ट में भगवान विष्णु बैठे थे, और विश्व सुंदरी ने भगवान विष्णु के गले में माला डाल दी, बोले 16108 के साथ शादी किया, एक को छोड़ दिया होता तो कम से कम मैं भी गृहस्थ बन जाता, जिसको मैंने चॉइस किया उसे भी भगवान, तो उसे विश्व सुंदरी को लेकर निकल गए। नारद मुनि पीछा किए और भगवान को रास्ते में ही पकड़ लिए। खैर आगे बहुत लंबी चौड़ी कथा है, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी का पतन भी हो जाए तो भगवान उसे बचा लेते हैं। मैं कल ही भक्तों को बता रहा था, शुद्ध गोस्वामी भागवत में कहते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजैन्न पक्वो तपते ततो यदि। इस संसार में यदि कोई व्यक्ति छोटे मोटे धर्म को छोड़कर भगवान श्री हरि के चरण को ग्रहण कर लेता है, कृष्ण की भक्ति करने लगता है, और हो सकता है कृष्ण की भक्ति करते करते उनका पतन भी हो जाए, पतन भी हो जाए, तो कोवा अभद्र अमुष्य किम, तो उस व्यक्ति का क्या अभद्र, क्या बिगड़ेगा, भक्ति के मार्ग में चलते हुए यदि उसका पतन भी हो जाए तो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। और कोई व्यक्ति संसार में परफेक्ट रूप से अपना जीवन बिताया और कृष्ण की भक्ति नहीं किया तो उसे क्या मिलेगा। तो कहते हैं भक्ति में यदि किसी से गलती भी हो जाए तो भगवान उनको बचा लेते हैं, उनकी रक्षा कर लेते हैं। यहां तक कभी कभी भक्त भगवान के नियम को तोड़कर पाप भी करने लगे, मैं नहीं कहता आप लोग पाप करिए, लेकिन कभी कभी भक्त जो है अपने मार्ग से विपत हो जाए, और कभी कभी भक्त से पाप भी हो जाए, फिर भी भगवान उसे क्षमा कर देते, से बचा लेते हैं। और इसके ज्वलंत प्रमाण जो कथा चल रही है ना, अजामिल, और उसी छठे स्कंध में दूसरा प्रमाण इंद्र, मनुष्य जाति में प्रमाण अजामिल और देव योनि में प्रमाण इंद्र, ये दोनों से गलती हुई लेकिन भगवान ने गलती को क्षमा कर दिया और बचा लिया। तो भक्ति, कृष्ण की भक्ति एक ऐसी वस्तु है जिसमें यदि गलती भी हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं, और अन्य देवी देवताओं की भक्ति में थोड़ी भी गलती हो गई तो गए काम से। इसलिए कृष्ण भक्ति कीजिए, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति कीजिए, अपने देव जीवन को धन्य बनाइए। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे।